उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में स्टेशन रोड प्रजापति धर्मशाला में अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ की बैठक हुई, जहां संविधान समिति के सदस्य पद्मश्री रत्नप्पा कुमार को माला पहनाकर दीप प्रज्वलन किया। वहीं रत्नप्पा कुंभकार का 109वां जन्म दिवस मनाया गया। बैठक में डॉक्टर अमरपाल आर्य, प्रताप सिंह उर्फ पप्पू प्रजापति, दिलीप प्रजापति, सतीश चंद प्रजापति उर्फ राजा भैया, मुन्ना लाल प्रजापति, संजय प्रजापति, ब्रजभूषण प्रजापति एवं ओमकार गांधी जी प्रजापति, डॉक्टर दश प्रजापति आज प्रजापति समाज के लोग मौजूद रहे। फिरोजाबाद से सौराज सिंह, जिला सौराज, रिपोर्ट स्केच न्यूज। किस तरह की बैठक की गई है प्रजापति धर्मशाला में? देखिए, हमारे समाज के जो एक महान विभूति पद्म श्री रत्नप्पा कुमार जी, जो संविधान समिति में अम्बेडकर जी के साथ में थे, उनका अभी तक हम लोगों को परिचय ही नहीं मालूम था। आज श्री सतीश बाबू जी राजा जी ने बताया है कि ये हमारे समाज से थे, तो हम आज उनकी 100वीं जन्म जयंती मनाने के लिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हर संभव कोशिश ये करेंगे कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और समाज की एकता और अखंडता के लिए हम अपने शरीर का बलिदान तक भी दे सकते हैं। हमें अपने समाज को ऊपर प्रमुख मानव जी, भारतीय प्रजाति महासभा से संबंधित हूँ और आज हमारे बीच संविधान समिति के सदस्य माननीय श्री रत्नप्पा कुमार की आज 109वीं जयंती मनाई जा रही है। हम लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में पता है और काफ़ी हमारे महापुरुष हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हुए हैं, संविधान के बनाने में सहयोग करने के लिए भी संविधान समिति के सदस्य भी रहे, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है हमें कि लेकिन आज हमें हमारे समाज को उतना स्थान नहीं मिल पाता है। हमारे समाज के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, देश की सेवा के लिए भी अपना काम किया है, लेकिन फिर भी हमारे समाज को राजनीतिक पार्टियों में या 109वीं जयंती में पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जी, उसमें यहाँ सब लोग स्वजातीय बंधु एकत्रित हुए हैं और पहली बार ये कार्यक्रम फिरोजाबाद में संपन्न हो रहा है। अगले भविष्य में आप देखेंगे शहर के हजारों लोग यहाँ इसी कार्यक्रम में आमंत्रित होंगे। इसी के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त कर रहा हूँ।